बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बार फिर आपके पास हाज़िर हैं। ये डेल्फी वाला ईसीएम है और इस ईसीएम पर इससे पहले बात कर चुके हैं। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं हो रहा है। तो हमने जो चेक किया, सबसे पहले इसकी सप्लाइयाँ चेक की जो ठीक है, फिर इसकी जो मेन रिले की आईसी है 6240 वो ये वाली आईसी है, और इस आईसी पर किसी पिन पर ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई पिन इसकी शॉर्ट हो या लो इम्पीडेंस हो। एज एक्सपीरियंस ये आईसी हमें ठीक लगी, और इसकी जो मेन रिले ग्राउंड आउट की पिन होती है 16 तो वो भी ठीक नज़र आ रही थी, कोई शॉर्टिंग नहीं है वहाँ पर, इम्पीडेंस भी ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मेन जो रिले के लिए है ग्राउंड आउट नहीं कर रहा है। इसके बाद हमने जो इसका स्कीमेटिक्स डायग्राम होता है, हमने उसकी तरफ देखा कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसके जो इनपुट सिग्नल होते हैं, जैसे इसके इनपुट सिग्नल ये होते हैं, ठीक है, फिर आप आ जाइए 13 है, 14 है, इधर 31 है और 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो CPU है हमारा, CPU से आपस में इनकी कनेक्टिविटी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पिन आपस में कनेक्टेड ना हो या उसका सर्किट ब्रेक हो। जैसे कि हमने चेक किया तो उससे हमें ये लगता है कि इनपुट सिग्नल इस IC को रिसीव हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं कर रहा है। तो ये जो IC है 6240, इसकी जो सबसे अहम ज़रूरत है, एक है VS पिन नंबर 8, यहाँ पर 5V होना चाहिए, 5V रिसीव होना चाहिए। पिन नंबर यही जो 8 है वो 11 से मिल जाता है, पिन नंबर 8 आपस में 11 से आपस में मिले हुए हैं, पिन 8 और 11। तो इस तरीके से अगर 8 पर सप्लाई आ गई तो वो अपने आप 11 पर भी पहुँच जाएगी, जैसा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी IC है और इसकी पिन नंबर 8 ये है, IC 6240, और इसकी पिन है 8 ये वाली। अगर हम देखें तो पिन नंबर 8 और 11 आपस में ये मिल चुकी है, और इस पॉइंट पर आना चाहिए 5V, ठीक, जो कि नहीं आ रहे हैं। ये देखिए आपस में मिला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो 5V रिसीव होते हैं वो 5V होते हैं इस कैपेसिटर से। ये कैपेसिटर 5V के लिए है, ये 5V देगा इसको। चेक करते हैं तो यहाँ 5V हैं, यहाँ पर यहाँ 5V हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये 5V रिसीव नहीं हो रहा है इस जगह पर। मैंने एक दूसरा ACM लिया ये वाला, और इसमें देखा कि ये वाला कैपेसिटर है, और जब मैं यहाँ देखता हूँ तो एक प्रॉब यहाँ रखी मैंने और दूसरी प्रॉब इस वाले पॉइंट पे रखी जो अभी पिन नंबर 8 और 11 से मिला हुआ है, ठीक है। अब यही बात मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये है प्रॉब्लम, क्या करना होगा, एक जम्पर लगाते हैं और यहाँ से हम 5V सप्लाई इस पॉइंट को देते हैं। तो इस पर हम लगाते हैं जम्पर वायर, ठीक है। अब दूसरा वायर है, आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं इस जगह पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्लेस कम है और टकराने की उम्मीद लगती है, तो बेहतर है इस होल के बैक साइड में। आप देख लीजिए कोई ना कोई कैपेसिटर वगैरह होगा, ये होल है ये वाला, इसके बैक साइड में जाइए आप, यानी कि ये है बैक साइड में और ये कैपेसिटर है, तो बेहतर है इस कैपेसिटर के ऊपर लगा दें आप, ठीक है, ये वहीं पहुंच जाएगा उसी लाइन पे ही, ठीक, पिन नंबर 8 और पिन नंबर
11 पर। आइए इसको हम लगाते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। और ये हमने लेकर इधर लिया है, इसका जो होल है वो ये वाला है, ठीक है, इससे मिलता है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं ये, तो इस वायर को आप यहाँ लगा दीजिए ताकि आपस में कनेक्शन कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस वायर को ये लगा दिया है यहाँ पर। अब हम इसे सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद इसकी पिन नंबर 16 पर देखते हैं क्या वोल्ट आते हैं। ठीक है, यहाँ 5.6 है और यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर 2.6 है, ठीक है, और इधर 12 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, 12 वोल्ट है यहाँ पर भी इस कॉइल पर। अब हमें देखना है कि ये 5 वोल्ट यहाँ पर हमारे इस होल पर आए या नहीं आए। ठीक है, 5 वोल्ट आ गए हमारे यहाँ पर, एक मिनट। ठीक है, 5 वोल्ट आ गए हैं। अब वो इसकी जो पिन होती है 16, पिन नंबर 16 यूज़ फॉर मेन रिले, तो 16 ये आईसी जो होती है वो 18 पिन की होती है, 18 पिन की। तो इसकी पिन नंबर 16 पर हमें चेक करेंगे मेन रिले ग्राउंड, और ग्राउंड किस तरह से चेक करा जाता है ये आप जानते ही होंगे। और इसकी पिन 16 पिन इसकी ये वाली है, ये आ गई ग्राउंड पिन नंबर 16 पर, ये 16 है, चले गए ये, और ये आपका ये आ गया मेन रिले ग्राउंड। ठीक, ये मेन रिले ग्राउंड आ गया। इसके अलावा आप पिन होती है रिले की 45, ये पिन है मेन रिले की, ये वाली ये 45 की पिन है, और 45 पर आपने ये लगा दिया। ठीक है, इसको हमने ऑन किया और ये एलईडी ये है मेन रिले ग्राउंड की एलईडी, तो इस पे ग्राउंड आ गया है। ठीक है, और अगर मैं इस वायर को हटा दूं तो देखो अब ये चला जाएगा, ये इस वायर को हटाता हूं मैं, इस वाले वायर को, ये मेन रिले का वायर है, और हटाने पर चला गया मेन रिले ग्राउंड। फिर लगाता हूं मैं, आ गया ये, चला गया। तो इस तरीके से ये मेन रिले ग्राउंड ठीक हो चुका है। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और किस तरीके से चेक किया जाता है, पहले कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चेक करी जाती है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि किस बोर्ड में कौन सी आईसी किस काम की होती है, फिर उस आईसी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, ठीक है, फिर उसकी शॉर्टिंग है, उसकी इम्पीडेंस है, इन तमाम बातों पर नॉलेज होनी चाहिए। हमारे इंस्टीट्यूट्स में इन्हीं सारी बातों पर डीपली जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है, एक एक पिंस के बारे में डिटेल बताई जाती है ताकि बेहतर तरीके से आप ECM रिपेयर कर सकें। जब तक आपको नॉलेज नहीं है, पिंस की नॉलेज नहीं है, CPU की जानकारी नहीं है, तब ECM रिपेयर करना मुश्किल है। ये आपको बिल्कुल तरीके से पता होना चाहिए कि इस IC को क्यों देख लें, इस IC की क्या ज़रूरत है, इस कब ऑन होगी ये, कब ऑन नहीं होगी। तो इसी तरीके से इन्हीं टिप्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं, और अगर आप इसके ख्वाहिशमंद हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो हमें दे रखा है। थैंक यू सो मच।